आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिख मुगल वॉर्स की हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। हम टोटल इसमें तीन बैटल्स देखेंगे, वैसे तो काफी एक पूरी सेंचुरी तक ये लोग युद्ध लड़ते रहे थे, उसको भी हम देखेंगे जब हम उस टॉपिक पे आएंगे। लेकिन फिलहाल हम तीन बैटल्स की मेन बात करेंगे। सबसे पहले तो बैटल ऑफ रोहिला, अमृतसर और करतारपुर, तो इन तीनों बैटल्स की हम बात करेंगे। और फिर ये तो चलती गई और औरंगजेब के आने के बाद तो ये और ब्रूटल हो गई, तो ये सारी चीजें देखेंगे, बैकग्राउंड जानेंगे, देखेंगे ऐसा क्या हुआ जो एक पीसफुल रिलीजन को अपना मिलिटरलाइजेशन करना पड़ा, खालसा बनाना पड़ा। खालसा हालांकि वो तो सेंट सोल्जर्स थे और सिखों का हमेशा यही मानना था कि हमने सेल्फ डिफेंस में ये सेना बनाई है, हमारा कोई औचित्य नहीं है कि हम उसको अटैक करेंगे, हम सेल्फ डिफेंड कर रहे हैं। और बिल्कुल सही था ये तर्क। हम देखेंगे सारी चीजें, हिस्ट्री जानेंगे, बैकग्राउंड जानेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, बताना चाहता हूं बैटल सीरीज चालू है, भारत और वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट बैटल्स कवर की जाएंगी, जो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेड अंडरस्कोर ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर के अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, दिवाली आ गई है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, 60% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, 10 नवंबर तक सेल चालू है। नंबर्स पे कॉल करिए, फिर वेबसाइट विजिट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि 10 सिख गुरु कौन कौन थे। ये रिलीजन गुरु नानक जी ने, गुरु नानक देव ने फाउंड किया था, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था। खत्री थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे और शहर शहर घूमते थे ही और अपनी टीचिंग्स को फैलाते थे। दोस्तों ये पूरा भक्ति मूवमेंट इस समय चालू था, इस एरा में चालू था, जिसमें काफी लोग आए थे, मीर आई थी, कबीर आए थे। इस भक्ति मूवमेंट पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, कबीरदास जी पे मेरा सेपरेट लेक्चर है। वन गॉड वन एनर्जी और एक तरह से निर्गुण भक्ति को गुरु नानक जी जो थे वो एडवोकेट करते थे। आपको पता ही ना, दो भक्ति के फॉर्म होते, सगुण जिसका फॉर्म होता है, निर्गुण जो फॉर्मलेस होता है। तो ये बोलते थे कि एक ही भगवान है और हर किसी में एक ही एनर्जी है। तो ये टीचिंग्स जो है ये स्प्रेड करते थे। धीमे धीमे लोअर कम्युनिटीज इनसे जुड़ने लगी, ये उनकी आवाज हो गए थे। सब लोग वो धर्म छोड़ के सिखिज्म से जुड़ने लगे और ये बड़े टैलेंटेड थे। सिख जो थे ना बड़े टैलेंटेड होते थे, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये लोग बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस में बहुत रहते हैं, आर्मी में भी मैक्सिमम आप रेजिमेंट्स भी सिख है और काफी सिख्स को आप पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिखिज्म है इसकी जो शुरुआत थी ये बहुत ही पीसफुल हुई थी, आज भी पीसफुल है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तब इनको लगा कि अब तो सबके लिए था, ये खाली इनके लिए नहीं था, कि अगर इंसानियत को बचाना है तो हमको आर्मी बनानी पड़ेगी। तो खालसा इन्होंने बनाया और उसके बाद ऐसा लड़े, ऐसी वीरता दिखाई कि भगा दिया था मुगलों को, ये हम देखेंगे। सबसे पहले थे गुरु नानक जी, उसके बाद फिर गुरु अंगद आए, फिर गुरु अमरदास आए, गुरु रामदास आए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, चौथे सिख गुरु थे और इन्होंने अमृतसर सिटी को फाउंड किया था। 700 रुपए में एक लैंड खरीदा था, अमृतसर बना दिया, आज तो वहां पे गोल्डन टेंपल है। फिफ्थ गुरु अर्जन देव जब आए, यहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। अर्जन देव जब आए, इनके बेटे गुरु हरगोविंद सिंह ये समझ गए थे कि अब हमको जरूरत है एक, मतलब सोल्जर्स की तो जरूरत है। देखिए दोस्तों, मुगलों का रूल चालू हो गया था, ठीक है, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, बाबर आया था, ठीक है, और गुरु नानक जी उस समय थे, ठीक है, उनकी टीचिंग जो थी फल फूल रही थी। तो इधर नॉर्थ इंडिया में मुगल भी आ गए हैं और इधर सिखिज्म भी फैल रहा है। गुरु अर्जन देव के आते आते मुगल अपनी चरम सीमा पे थे। अकबर उस समय राजा था, मुगल राजा था और गुरु अर्जन देव उस समय थे। उनको बहुत जल्दी यह समझ में आ गया था और उनके बाद सबको यह समझ में आ गया था कि अब हमको सेना बनानी है, क्योंकि सिखिज्म काफी ज्यादा फैल गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा फैल गया था, काफी लोग फॉलो करने लगे थे। तब यह समझ में आया था मुगलों को कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने बहुत कुछ किया, अभी औरंगजेब ने तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल गुरु तेग बहादुर को ही मार दिया था, ठीक है, मरवा दिया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था और यही गुरु अर्जन देव के साथ भी हुआ था।
गुरु अर्जन देव को भी मार दिया था जहांगीर ने, ठीक है, दो गुरुओं को मार दिया गया था, एक गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर, इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। वैसे तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि सिखिज्म फैल रहा था, मुगलों को पता थी, मुगल चाहते थे कि हमारा डोमिनेंस बढ़े, इनका एक्सपेंशन इतना सही नहीं है। दूसरी चीज, ये लोग टैक्स भी कलेक्ट, टैक्स इन द सेंस कि ये चाहते थे, ये डोनेशन लेते थे, ठीक है, 10th, 1/10 ये डोनेशन लेते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा से पब्लिक सेवा में ये लोग रहते थे, पब्लिक सर्विस करते थे, तो डोनेशंस लेते थे जिससे लोगों का भला हो सके, और सारी कम्युनिटीज जो थी इनसे जुड़ती गई, तो ये मुगलों को नागवार गुजरी। और जहांगीर जब आया तो उसको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो इसीलिए गुरु अर्जन देव जो कि 5th गुरु हैं कत्ल कर दिया। अब इसमें दो व्यूज हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु अर्जन देव को नदी में डुबा दिया, कुछ लोग बोलते हैं कि इनको टॉर्चर किया और उसके बाद मार दिया ग्वालियर फोर्ट में, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। कुल मिला के बात यह है कि गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मार दिया और यहां से सिचुएशन बिगड़नी शुरू हो गई। गुरु हरगोबिंद सिंह तो लंबे चौड़े इतने जबरदस्त शिकारी थे, मार्शल आर्टिस्ट थे कि कमाल है, ये तो वॉरियर थे शुरू से ही, ठीक है। और उसके बाद फिर जब गुरु गोविंद सिंह आए जिन्होंने खालसा पंथ की स्टार्ट की और बैटल ऑफ चमकौर, भैया चार साहेबजादे मूवी देखी कि नहीं, अपने चार बच्चों को कुर्बान कर दिया था इन्होंने, अच्छी मूवी तो देखनी नहीं है, चार साहेबजादे अभी देखिए, पता चलेगा कि क्या लेजेंडरी कहानी, क्या वॉरियर थे ये, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह ने फिर खालसा पंथ की स्टार्ट की और उसके बाद जब मुगल रूल खत्म हुआ, खत्म इन द सेंस कि जब उनका डोमिनेंस खत्म हो गया औरंगजेब के बाद 1707 के बाद, तब फिर सिखिज्म बहुत तेजी से उभरा और उसके बाद फिर इन्होंने किसी की भी अथॉरिटी को मानना शुरू मानने से मना कर दिया, स्पेशली मुगल, ठीक है, और ये राइवलरी जो थी इनकी जारी रही, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था कि क्या हुआ था और किस तरह से मुगल और सिखों के रिलेशन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अर्जन देव और तेग बहादुर को मरवा दिया गया था, इन्होंने मानने से मना कर दिया था इस्लाम में हम कन्वर्ट नहीं होंगे। देखिए था क्या कि ये मुगलों को पता था, औरंगजेब को भी ये पता था कि अगर इनके गुरु कन्वर्ट हो गए तो हर कोई कन्वर्ट इस्लाम में हो जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर ने सीधा मानने से मना कर दिया, अरे सिख जो थे वो तो सिर्फ एक ही भगवान में मानते थे और उनका तो यही कहना था कि ये कन्वर्जन क्यों है, अरे हर कोई इंसान है ना, कन्वर्जन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, जो असली इस्लाम को मानेगा वो इस पे कभी जोर देगा ही नहीं। मूड खराब हो गया, मार दिया और उसके बाद सिचुएशन भी बहुत ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सिख मुगल की राइवलरी पे हमेशा सिख भारी रहे, ठीक है, बहुत भारी रहे, भारी नहीं बहुत ज्यादा भारी रहे। तो ये चीज थी। अब गुरु हरगोबिंद सिंह की बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि जो तीनों बैटल हैं इन्हीं के छत्र छाया में लड़ी गई। 6th गुरु थे ये, ठीक है, टोटल 10 गुरु आए थे, बता दिया। आपको बताना चाहूंगा कि जो 10 गुरुओं के नाम एज इट इज याद कर लीजिएगा, इनकी क्रोनोलॉजी एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन थे, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 6th गुरु थे ये, 6th गुरु आए थे सिख रिलीजन में। अब इनका बचपन ही बड़ी मुश्किल से, इनके अंकल इनसे बड़े चिढ़ते थे, इनको पॉइजन देने की कोशिश की, इनके ऊपर कोबरा फेंकने की कोशिश की, लेकिन तब भी हर गोविंद जो थे बच के निकल गए। ये वॉरियर थे, बड़े फिट रहते थे और सबको बोलते थे फिट रहो, क्योंकि आने वाले समय जो है इतना आसान नहीं होने वाला, और गुरु अर्जन देव ने इनको पहले ही वार्न कर दिया था कि अब वक्त आ गया है कि हम सेना तैयार करें, अटैक करने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस सबको करना है, लोगों को बचाना है ना, ठीक है। देखिए खालसा जो है वो फेथ को भी बोला गया है, सिर्फ सोल्जर्स वो डिनोट नहीं करता है, ठीक है, गुरु के लिए, लोगों के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अगर कभी भी मुसीबत आएगी तो सिख हमेशा सबसे आगे खड़े होंगे कुर्बानी देने के लिए। ये है, कमाल की बात है दोस्तों। तो ये चीज है, 1595 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, होली सिटी अमृतसर के पास 7 किलोमीटर वेस्ट में वडाली में, ठीक है। तो ये चीज थे। अब क्या है कि कहानी आगे बढ़ती है, 1606 में देखिए अकबर भी गुरु अर्जन देव से मिलने आया था, ठीक है, रिलीजियस मैटर्स पे अमृतसर में इन्होंने बात की थी, इसने बात की थी, लेकिन जब अकबर मरा, अकबर हटा 1605 में और जहांगीर आया, वैसे ही जहांगीर बड़ा मूड खराब था उसका, ठीक है, तो अर्जन देव को बुलाया, कन्वर्ट हो जाओ, नहीं कन्वर्ट हुए, 1606 में अर्जन देव की मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद इनकी सेरेमनी होती है हरगोबिंद सिंह,
ये एज अ सिक्स्थ गुरु आते हैं, एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी उस समय, ठीक है। ये आते हैं और फिर सिक्स्थ गुरु ये बनते हैं। सिर्फ 11 साल के होते हैं ये, बहुत ज़्यादा उम्र तो होती नहीं उनकी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बड़े इंटेलिजेंट, बड़े समझदार होते हैं, ठीक है। इनको पता होता है शुरू से ही क्या करना है। मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, हंटर होते हैं, एक एविड हंटर होते हैं, और एक अलग ही फिलॉसफी लेके ये आते हैं। बहुत ही कम उम्र में 1609 में जहांगीर को ये पता लग जाता है कि ये बहुत बड़ा खतरा होने वाले हैं, इनको बंदी बना लिया जाता है। जी हाँ, इनको बंदी बना के भेज दिया जाता है ग्वालियर फोर्ट में 1609 में, याद रखिएगा, तो भेज दिया जाता है। अब इसके बाद जहांगीर इसको रिलीज भी करता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कब रिलीज इनको किया गया, 1611 में किया गया कि 1612 में किया गया, लेकिन रिलीज भी कर दिया जाता है। इन्होंने अपने पूरी एक प्रॉपर सेना बनानी शुरू कर दी थी, एक प्रॉपर किंगडम बनाना शुरू कर दिया था। इनको पता चल गया था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये कोर्ट इन्होंने बना दिया था वहां पे, मतलब वहां पे डेली सुनवाई होती थी, तो इसलिए और ज्यादा मुगल भड़क गए कि ये क्या हो रहा है, हमारी अथॉरिटी में ये सब कैसे हो सकता है। तो ये चीज थी, लेकिन करना जरूरी था, कोई चारा नहीं था। कहानी आगे बढ़ती है, गुरु हरगोबिंद सिंह ये सारी चीज कंटिन्यू रखते हैं, और मुगलों को बस एक मौका चाहिए कि किसी तरह कोई भी मौका मिले तो हम जो हैं इन पे अटैक करें। इन्होंने अकाल तख्त बनाया था, अकाल तख्त, वो जो परमेश्वर है, एक भगवान है सबका, जिसकी हम संतान है, वो हमेशा है, वो अनंत है, अकाल तख्त, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे सारे गुरुओं पे, ठीक है। मैं सेपरेट बायोग्राफी लेके आऊंगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। हर एक ये पूरा का पूरा जो है मैं सब कवर करूंगा, फिलहाल अभी हम बैटल पे फोकस करेंगे। तो अब क्या है कि सबसे पहला मौका मिला इनको बैटल ऑफ रोहिल्ला में, जो कि 1621 में हुई थी। हम तीन बैटल की बात करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था 1621 में हुई थी, मुगल्स को पता था, मुगलों ने अटैक किया, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी, ठीक है। बहुत बुरी तरह हारे थे मुगल, जान बचा के भागे थे मुगल्स। जैसा कि मैंने बताया, उनकी मिलिट्री पावर, उनका किंगडम, उनकी पॉलिटिकल पावर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लोग इनके पास आते थे मदद मांगने की, हमारी मदद कर दीजिए, ये दिक्कत है। तो भैया एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, दो तो रहेगी नहीं। तो मुगलों को यह पता था, लेकिन जब भी मुगल इनसे भिड़े, मुगलों को मुंह की खानी पड़ी, ठीक है। तो मुगलों को पहली बैटल, बैटल ऑफ रोहिल्ला, जो 1621 में लड़ी गई थी, भागना पड़ा, ठीक है, हारे मुगल। दूसरी बैटल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है बैटल ऑफ अमृतसर, जो कि 1634 में लड़ी गई थी। यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बैटल वो हार चुके थे। यहां पे फिर वो मौका ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्या मौका ढूंढे कि सिखों को अटैक किया जाए। एक बैसाखी का दिन था, और जो बाज थे वो उस समय काफी उड़ाए जाते थे, सिखों की तरफ से बाज उड़ाए जाते थे और मुगल्स की तरफ से भी बाज उड़ाए जाते थे। मुगल की तरफ से जो बाज होते थे वो रॉयल बाज होते थे, सिखों ने गलती से जानबूझ के जो भी करिए बाज मार दिया उनका। अब ये उनको मौका मिल गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मुगल अपना बाज ढूंढने आए, हॉक, जब बाज, अब हॉक कहते ना बाज को, जब अपना बाज ढूंढने आए, सिक्कों से उन्होंने गाली गलौज स्टार्ट कर दी, बड़ा गाली देना शुरू कर दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये फलाना ढमाका। मुगल को ये मौका मिल गया, और अगले ही टाइम मुगल जो थे अपनी सेना के साथ सिखों पे हमला करने पहुंच गए। अब सिख उस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, हर गोविंद सिंह की डॉटर की भी उस समय शादी थी, बेटी की भी शादी थी, तो पता ही नहीं था कि यहां से हमला होने वाला है। तत्कालीन तुरंत उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, यहां भी मुगल जीत नहीं पाए। जी हां, यहां भी मुगल जीत नहीं पाए। तो तत्कालीन उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने काफी इवैक्यूएशन भी किया, छोड़ के जाना पड़ा। हर गोविंद सिंह को भी एडवाइस मिली कि अभी जहां आप रहते हैं उसको छोड़ दीजिए, ताकि जब ये अटैक करें इनको कुछ मिले ना, और हम फिर उसके बाद बहुत अच्छे से अटैक करेंगे और सबको खदेड़ेंगे। और यही चीज हुआ, ठीक है। हालांकि इसमें काफी सिक्कों की जान भी गई, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी बैटल, बैटल ऑफ अमृतसर जो 1634 में लड़ी गई, ये भी बैटल सिख जीते। हर गोविंद सिंह ने इसमें हिस्सा लिया और हराया मुगल्स को। और यहां पे ये एक चीज साबित हो गई, उस समय मुगलों की पावर बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो ये चीज उस समय ये पता लग गया कि मुगल जो है उनको हराया जा सकता है, और यहीं से इनके पतन की शुरुआत हो गई। उस समय शाहजहां था, ठीक है, 1605 से 1627 तक जहांगीर रहा था, और जहांगीर के बाद शाहजहां आया था, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था, और औरंगजेब जब आया था तब ये अटैक्स, सिखों और मुगलों की लड़ाई और ज्यादा ब्रूटल हो गई। बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ सरहिंद, ये सब हम कवर करेंगे, ठीक है।
तो ये चीज थी, ये भी बैटल ये जीते और मुगल जो थे वो चुपचाप देखते रह गए। और ये पता चल गया फिर यहां पे कि मुगलों को हराया जा सकता है और इनकी पावर जो है वो अनंत नहीं है जैसा बोला जाता था। ठीक है, बैटल क्या हुई कैसे हुई उस पर मैं इतना नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद होती है बैटल ऑफ करतारपुर 1635 में, और ये लास्ट कॉन्फ्रंटेशन था। ठीक है, यहां पे भी मुगलों को हराया गया, करतारपुर को पूरा घेर लिया था। और यहां पे गुरु ऐसा बोला जाता है कि गुरु तेग बहादुर ने भी हिस्सा लिया। जी हां, यहां पे इस बैटल ऑफ करतारपुर में ये जो सीज हुई थी मुगलों द्वारा पूरी तरीके से घेर लिया गया था, लेकिन सिखों ने फिर पूरी फोर्स के साथ अटैक किया और मुगलों को पीछे हटना ही पड़ा, हार गए थे। यहां पे भी मुगल हारे थे और ये लास्ट कॉन्फ्रंटेशन थी। तब मुगलों को लगा कि अभी हमको थोड़े टाइम के लिए अपने बैटल जो हैं या अपने जो अटैक्स हैं उसको शांत करना चाहिए, अभी शायद वो समय नहीं थे। तीनों बैटल में सिख डिसाइसिव विक्ट्री थी सिखों की और तीनों बैटल्स में सिख विजयी हुए। प्लस यहां पे जब ये भैया कोई जीतेगा तो उसका हौसला बहुत बुलंद हो जाएगा। सिखों ने उसके बाद और ज्यादा और जबरदस्त तरीके से अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, अपनी आर्मी को मिलिटरलाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर जब गुरु गोविंद सिंह आए, औरंगजेब जब आया, औरंगजेब ने तो सीधा अटैक करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की तो हालत बहुत बुरी थी, इधर शिवाजी थे इधर, तो इधर सिखों ने जब एक्सपैंड करना शुरू किया तो गुरु गोविंद सिंह ने तो फिर खालसा की स्थापना कर दी कि हमको सेंट सोल्जर्स बनाने हैं। अरे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, उन्हीं का खालसा, उन्हीं के सेंट सोल्जर्स, और उन्हीं के ही नाम पे हम जीतेंगे। तो उन्होंने फिर खालसा पंथ की शुरुआत की, सेंट सोल्जर्स थे। इसको हम कवर करेंगे बैटल ऑफ चमकौर या आगे क्या हुआ ये आने वाले समय में। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए, आगे भी ये कवर हम करते रहेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। 60% ऑफ है, ठीक है। जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच।